पहुंचे। गांव माखन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सोनूद के ग्रामीण ग्राम की कई समस्याओं को लेकर परेशान है। ग्रामीण अपनी समस्याओं की मांगों को लेकर जनपद जिला और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक गुहार लगा चुके हैं, पर समस्याएं जस की तस बनी हुई है। सर, ये रोड करीब करीब जो प्रधानमंत्री का जो रोड बना है अग्रवाल से सोनूद के लिए, ये करीब करीब 18 वर्ष से बना हुआ है। इस पे 18 वर्षों से ना तो नाली का निर्माण, जो प्रधानमंत्री रोड बना है उन्होंने भी नहीं नाली का निर्माण किया, ना आज तक पंचायत इस पे इस विषय में कोई एक्शन ले रही कि हम रोड बनाए। और इस विषय में मैंने CM हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, तो इस विषय में मेरे को जनपद पंचायत में बुला के जनपद पंचायत के वही के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, अधिकारी लोग, उन्होंने बताया कि आप शिकायत वापस ले लो, आपके यहाँ जन यात्रा आ रही उसमें आपको ये ऐसा एक कुछ लेटर देना है, तो ये लेटर दे के आपके इस पर कार्रवाई होगी और आपके यहाँ रोड बनेगा। और इसको दिए हुए मेरे को 9 से 10 महीने हो गए ये विकास यात्रा को, और आज तक पंचायत ना तो कोई इस पर काम कर रही, ना वो जनपद वाले आके कोई एक्शन ले रहे। और ये नालियों का जो पानी जा रहा है, कम से कम गांव हमारे 10 से 20 एकड़ ज़मीन का बना हुआ है, और 10-20 एकड़ ज़मीन का जो पानी बह के जा रहा है ये हमारे खेतों में जा रहा है। हम आसपास के किसान हैं जितने भी, इन सब के किसान के खेतों में पानी जा रहा है, और पानी ये बह के हमारे खेतों से हमारे कुएं तक जा रहा है, और कुएं का पानी रिचार्ज होकर हमारे वहाँ कुएं में भी बहता है ऊपर से, और वो गंदा पानी कहीं ना कहीं प्रकार से हमको पीना पड़ रहा है। हम परेशान हैं क्योंकि हमारा वही साधन है और वही व्यवस्था है, इसके बाद ना तो पंचायत की कोई व्यवस्था है, नल जल है यहाँ पे, और ना तो यहाँ अभी कोई व्यवस्था उन्होंने करने का सोचा है। कहाँ से पानी भरते, क्या समस्या? कहाँ से भरते हैं पानी है, अभी तक आई नहीं हमको आज पानी भरा, कहीं नल की योजना आई नहीं, कहीं टंकी बनी नहीं, कहीं नहीं है। रोड खराब पानी भरी उड़ा में भी ना बी बरसात में पानी पड़ता भी 20-25 साल हो गए। हमारी ग्राम पंचायत सर साल में सिर्फ मात्र 2 से 3 बार खुलती है, वो भी झंडा वंदन के साथ खुलती है, 26 जनवरी के साथ खुलती है, बाकी तो कोई ऐसा कार्यवाही नहीं हो पाती है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत के बारे में? सर, ग्राम पंचायत के बारे में तो आप देख ही लीजिए, ये गड्ढे और ये अभी तक मतलब पंचायत बनने को 20 साल हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर रहवासी भी रहते हैं और अभी तक यहाँ पर रोड भी बना है स्कूल से यहाँ तक, ये मेन समस्या है। हम डेली निकलते हैं, अभी भी कीचड़ है, इसमें कीचड़ में से निकलना पड़ता है हमको। इस संबंध में आपने कहाँ कहाँ अपनी गुहार लगाई? सभी जगह गुहार लगा चुका हूँ मैं, अपने यहाँ पे पंचायत में भी आवेदन 2-3 बार दे चुका हूँ, और 2-3 बार रोड का भी बनने का आ गया था, बाकी क्या होता है क्या पता कहाँ चले जाता है पैसा, पता ही नहीं चलता है। सर, मैं यहाँ का पंच हूँ। ग्रामीणों की समस्या है, आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं? सर, कई बार सरपंच को, सचिव को, सहायक सचिव को सबका अवगत करवा है, पर अभी तक उन्होंने एक तगादी सीमेंट कांक्रीट का रोड भी नहीं बनाया, ना नाली निर्माण किया। 12 महीने हो गए पंचायत को, अभी तक कुछ काम कार्य नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे पहल करी, बहुत इसके लिए आवेदन दिया सर, अभी कुछ नहीं हुआ उसका। सब पूरा गाँव को पानी हमारा घर पास वही रहे हो न, सब कचरो भी सब पानी में वही तो हमारा घर पास जाए, आले को पानी बोले कर दियो ना, हमरो घर वहाँ से हम निकला कहाँ से, सब अन्नी पन्नी न भी जाए न वहाँ बड़ो मोटो दे बाबो रहे, घर के चारों तरफ पानी भर जाए न, पूरी वाड़ी मारी आसी चे साल भर की पड़ती पड़ी पानी में, क्या नाम है, जरा सी फसल नहीं पैदा हुई। नाराज ग्रामीणों ने बताया है कि अगर हमारी समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। मृदुभाषी प्रदेश के लिए छेगांव माखन से अमित लाड की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।